everyone, press the bell icon on the YouTube app and never miss any update from IWM Buzz. बहुत ही अच्छी आइडिया है, क्योंकि देखिए जितने आप ये ऐसे सेंटर्स खोल देंगे उससे जो कपल्स है, जो दोनों कपल्स जिनके पास जॉब्स है, वो फिर ये सोच के जा सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं दे आर इन वेरी गुड हैंड्स, उनकी एजुकेशन भी हो रही है, उनकी देखभाल भी हो रही है। तो ये जो आइडिया है बहुत अच्छी आइडिया है, नई शुरुआत है। इसका सब श्रेय मिलता है मेरे लड़के को, सिद्धांत को। ये उसी का प्रोजेक्ट है, उसी का कॉन्सेप्ट है। एंड पीपल आस्क मी हाउ कम फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू एजुकेशन। आई थिंक एंटरटेनमेंट अपनी जगह पे मैं करते रहूँगा, और एजुकेशन ऑल्सो सिद्धांत विल कंटिन्यू डूइंग एज लॉन्ग एज ही वॉन्ट्स टू डू इट। एक तो प्री स्कूल, एक केयर, डे केयर विद जॉय, यानी जीवन आपका जॉय से और स्माइल से शुरू होना चाहिए। ये इन्होंने थीम लेकर ये स्कूल बनाया है अपने बेटे के लिए, बेटों के लिए, और जिसमें जॉय भी हो, केयर भी हो, प्री स्कूल भी हो। अफसोस की बात यह है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि मैं भी बहुत बड़ा हो गया, वरना मैं खुद अपने आप को अपने स्कूल में एनरोल कर लेता। खुशी की बात यह है कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मनीष जी और उनकी जो वाइफ है, उन्होंने एक नया कदम शुरू किया है। मैं इनकी इस मुहिम को खूब बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। एंड आई एम श्योर वी आर गुड सक्सेस। वी नीड स्टफ लाइक दिस अराउंड। अच्छे जगह हो, अच्छे लोग हों जिन पे आप विश्वास कर सकें, जहाँ पे आप अपने बच्चों को भेज सकें, तो वैसी जगह है जॉय। आई थिंक मनीष जी तो I feel very fortunate that I got the opportunity to do something like this. That is for me is the biggest blessing. I think the chance to do something like this. I had a lot of support, which I'm also very very fortunate about. My mother supporting me, or people around us supporting. You're off. Okay, स्कूल डेज जो है वो इंसान की लाइफ का सबसे बेस्ट फेज होता है, तो आपकी कोई ऐसी स्कूल की यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, स्कूल में तो बहुत सारी यादें होती है, जहाँ पे आप हमारे टाइम में तो हमने कभी स्कूल को तो कभी बंक नहीं किया। सिर्फ मतलब जब स्कूल की क्रिकेट मैच होती थी तो उस वक्त ही हमें एक छुट्टी मिलती थी मैच खेलने के लिए। कभी कभी हमारे जो टीचर्स थे वो कहते थे कि जब हमारी टीम, जब हम बच्चे थे और हमारी स्कूल की टीम फाइनल पहुंची थी हैरिस शील्ड में, तो उन्होंने लंच टाइम में हमें वो छुट्टी दे दी कि लंच टाइम के बाद में आप एक घंटे बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि आप जाके अब जो हमारी स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल है, उनको इनक्रेज करें। तो बस वही था। पर और दूसरी याद है कि जब आप प्रैक्टिस करते थे, कभी कभी आपको आपके टीचर्स आपको कहते थे कि आपने ठीक नहीं किया, आप घर जाके आपके पेरेंट्स से कैलेंडर में रिमार्क देते थे कि पढ़ाई ठीक नहीं होगी या जो भी, और उस पर फिर पेरेंट्स की सिग्नेचर लेना, वो बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि पेरेंट्स बोलते थे क्या कर रहा है स्कूल में। तो पर मैं समझता हूँ कि ये तो हर बच्चे के साथ होता है, ऐसा कोई बच्चा है नहीं जिसको टीचर ने डांटा नहीं है। हो या स्कूल मेमोरीज आर वेरी लवली, एंड यू नो यू रिमेंबर द डेज व्हेन टीचर्स यूज टू स्कोल्ड अस, दे यूज टू टीच अस, दे यूज टू ऑल्सो टीच अस हाउ टू बिहेव, नॉट टू बिहेव। आवर प्रिंसिपल यूज टू ऑलवेज से, यू नो, इफ यू वॉन्ट टू डू चीटिंग यू डू चीटिंग, बट डोंट गेट कॉट। दैट इज़ वन थिंग विच वी ऑलवेज ट्राइड एंड रिमेंबर, बट वी नेवर चीटेड इन लाइफ, वी ट्राइड एंड बिहेव्ड आवर सेल्फ ऑलवेज वेल। या You don't want to hear about it. You don't want to hear about it. Yeah. Like one memory that is. Well, I was in a girl's school. Ooh. When I was a child, हमारे मैं बांद्रा में उस वक्त रहता था, तो एडमिशन नहीं मिली थी, तो हमारे घर के पास एक स्कूल होता है जिसका नाम था अवाबाग पेटेट्स गर्ल्स स्कूल। तो टिल द टाइम आई कुड नॉट गेट एडमिशन इन अ बॉय स्कूल, एक साल तक मुझे पेटेट्स में रखा था, जो एक गर्ल्स स्कूल था।